आज आपको हम मानी बनाने का तरीका बताते हैं। इसमें हम ये हमने आटा लिया है, फाइन आटा, ये है डेढ़ कप जी। इसमें हम शामिल करेंगे दो अंडे, ठीक हो गया। उसके बाद ये दो टेबलस्पून चीनी जी, एक टेबलस्पून काली मिर्च और हाफ टेबलस्पून नमक। और दूध कितने? एक पाव दूध है, ठीक हो गया। अब हम ये चीज़ें दूध में शामिल करेंगे। अच्छा, ये चीनी काली मिर्च और नमक। नमक जो लिया था ये हम इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फैट लेंगे, प्रॉपर लेंगे जी। अब इसमें हम शामिल करेंगे आटा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने इतना मिक्स करना है ताकि ये गोलियां ना बने, बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा ये, ठीक हो जाए। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है, ज्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज्यादा नरम भी ना हो, ठीक है। एक मुनासिब उसका वो हो, टेक्सचर जो है। हमने शामिल कर लिया डेढ़ कप जी फाइन आटा और एक पाव दूध। फाइन आटा और एक पाव दूध है जी, ठीक हो गया। देख ले, अब ये लिक्विड तैयार हो गया जी। अब इसमें इसके बाद हम शामिल करेंगे अंडे। अंडे, हाँ जी, बेहतरीन तैयार हो गया। अभी ये दोनों अंडे हमने डालने हैं इसमें, दोनों अंडे इसमें शामिल कर लें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा, आटे की जगह पे हम मैदा यूज़ कर सकते हैं घर में? यूज़ कर सकते हो, और सादा आटा भी यूज़ कर सकते हो, जो आप यूज़ करना चाहो, ठीक है। ज़बरदस्त हो गया, लिक्विड तैयार हो गया जी, माशाल्लाह। इसको हम बनाएंगे, फ्रैंक पैन में हमने तलना है इसको। ये हमने पैन में बनानी है। आप फ्राई पैन में बनाना चाहो तो इस पर भी बना सकते हो, तवे पे बनाना चाहो तो तवे पे भी बना सकते हो। अच्छा, तवे पे भी बना सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी, ठीक हो गया। इसमें ये अभी घी शामिल करेंगे, ये घी आपके सामने हमने डाल दिया, इसको एक चम्मच तकरीबन एक चम्मच। और आँच हमने धीमी रखनी है, हल्की आँच पे। अब इसमें हम ये देख लें, शामिल करेंगे वो जो हमने लिक्विड बनाया था, लिक्विड अभी इसमें डालेंगे हम, ठीक हो गया जी। चमचे की मदद से हम इसको फैला देंगे ताकि ये थोड़ी गोल बने। ये रेसिपी तो बहुत आसान है शायद जी, जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से बनती है। पाँच मिनट में रोटी तैयार है जी। और रमज़ान में भी शहरी में बनाए तो बेहतरीन है, जल्दी उठ के टाइम की बच जाती है। हाँ, टाइम बच जाता है, तो ताकत की ताकत है। ये देख ले, हमने एक साइड इसकी कल्टी कर दी है। अच्छा, एक साइड को उल्टा दिया आपने, उल्टा दिया। अब दूसरी साइड पे हल्का सा घी हमने दोबारा लगा दिया, थोड़ा सा घी लगाना है इसको दोबारा, है घी लगा हल्का सा। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त बन गई। इसमें तो ज़रा मोटी भी बनी है जी, अच्छी बनी है। और इसको बना चाय के साथ खाए, चाय के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि चाय के साथ मीठा भी शामिल होता है और काली मिर्च भी है। हाँ जी, ये नमकीन की नमकीन है और मीठी की मीठी है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको उल्टाना थोड़ा मुश्किल होता है, एक साइड को एहतियात से बंदा उठाए, उल्टाना मुश्किल होता है, बंदा एहतियात के साथ इसको उल्टाए हैं जी, एहतियात के साथ, क्योंकि टूटे भी ना और बेहतरीन हो, थोड़ा सा नरम होता है इसका जी, इसलिए थोड़ा सा मसला होता है उल्टाने का। अच्छा, आटा नरम होता है इसलिए उल्टाने में मुश्किल होती है, ज़बरदस्त। अब ये रेडी है तकरीबन, भाजी रेडी हो चुकी है शाह जी, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह।